हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ दक्षिणेश्वर, और ये है स्काई वॉक। दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर डायरेक्ट ये जाती है स्काई वॉक। ये स्काई वॉक है जो दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर तक जाती है। यहाँ पर स्काई वॉक के अंदर में बहुत सारे दुकान हैं जो पूजा के सामग्री और प्रसादी भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और 12 बजने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं दक्षिणेश्वर मंदिर के जो मेन गेट है, और यहां से अंदर जाने वाले हैं। तो मैं अभी मंदिर के कॉरिडोर के अंदर में हूं, और यहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं पीछे। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर जाने के लिए यहाँ से एंट्री दिया है, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होकर उसके बाद अंदर चलेंगे। तो मंदिर के अंदर जाने के लिए अभी हमें यहाँ पर अपना फ़ोन और कैमरा सब यहाँ पर जमा कर देना होगा, और जूता भी निकाल कर यहाँ पर काउंटर में जमा कर देंगे। तो ये मेरे पीछे है दक्षिणेश्वर मंदिर। तो अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर और दर्शन करेंगे। भाई साहब, यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर माइक में अनाउंस कर रहा, फ़ोन और कैमरा काउंटर में जमा करके मंदिर के अंदर ही एंट्री के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर है काउंटर, यहाँ पर हम अपना फ़ोन और जूता निकाल कर काउंटर में जमा कर देंगे। यहाँ देखिए, काउंटर में भी भीड़। यहाँ पर हम अपना फ़ोन जमा कर देते हैं और दर्शन करके निकलते हैं उसके बाद। तो मैं अभी अपना फ़ोन जमा कर देता हूँ और मंदिर में दर्शन करके फिर आता हूँ। तो दर्शन हो गया है, बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है। दोस्तों, ये मंदिर का मेन गेट है, यहीं से हम इंटर किया था, और ये साइड में है घाट है। चलिए आप लोगों को मैं घाट दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है एंट्री गेट जो मंदिर के अंदर जाता है, और यहाँ पर लोक माता रानी रासमणी का मंदिर है यह बना हुआ। तो अभी मैं दक्षिणेश्वर घाट में आया हूँ, ये पीछे है घाट। दोस्तों, ये सामने में हुगली नदी है, और ये दक्षिणेश्वर घाट है। दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ दिखाता हूँ, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। ये दक्षिणेश्वर मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, ये 19वीं सदी में इसे बनाया गया था रानी रासमणी के द्वारा। यहाँ पर छोटा सा मार्केट लगा हुआ है मंदिर के अंदर में ही, और पूजा के सामान और यहाँ खाने पीने का भी मार्केट लगा हुआ है, देख सकते हैं इस साइड में। भाई साहब, ये मंदिर के पीछे तरफ मैं आया हूँ, और यहाँ से व्यू देखिए। तो दोस्तों, अभी हम फेरी घाट आए हैं, यहाँ से नाव से जाने वाले हैं हावड़ा।
यहाँ देख सकते हो बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है भाई साहब, यहाँ बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। और यहाँ नाव से हम हावड़ा जाने वाले हैं। 11 रुपया टिकट लगा है। तो अभी हम चलते हैं हावड़ा स्टेशन और आपको हावड़ा स्टेशन का अंदर का क्राउड दिखाते हैं। हावड़ा स्टेशन बस पहुंचने वाले हैं दोस्तों। हम हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां पर भीड़ देख सकते हैं। ये रहा हावड़ा स्टेशन और सामने से कुछ ऐसा दिखता है। ये रास्ता चला जाएगा हावड़ा स्टेशन के अंदर। भाई साहब यहाँ पर क्राउड देखिए हावड़ा स्टेशन में।